हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने अभी तक कवर किए हैं नाउंस, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। आइए अब आगे चलते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच आते एडवर्ब्स। नाउ व्हाट डू यू ऐड टू द वर्ब दैट इट बिकम्स एन एडवर्ब? ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब। शी सैंग ब्यूटिफुली। अब आपको पता है एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फोर टाइप्स। सो शी सैंग ब्यूटिफुली, हाउ डिड शी सिंग? एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्यूटिफुली। शी सैंग ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट, वेयर डिड शी सिंग? एडवर्ब ऑफ प्लेस, she sang at the concert. She sang beautifully at the concert yesterday. When did she sing? कब गाया उन्होंने? Adverb of time, yesterday. तभी समझ में आया। और फिर एक और, we often go to watch her programs. Often क्या को हम कहाँ use करते हैं? Adverb of frequency के लिए। ठीक है, तो ये सारे adverbs के forms हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए और इनको ध्यान से समझिए। अब करेक्ट यूज कैसे करते हैं ये तो आपको पता चल गया, ये आपने स्कूल में भी सीखा, कॉलेज में भी सीखा कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। लेकिन एडवर्ब्स को करेक्टली यूज कैसे करते हैं बोलते और लिखते हुए? तो एडवर्ब को एक तो ये है कि वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है, दूसरा एडवर्ब होता है जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उसी को के पास में एडवर्ब को रखा जाता है। और कई बार आप देखिए कि एडवर्ब जो है उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गो देयर। अब फॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है, इसको ये पूरे पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब। और एक और चीज, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 80% एडजेक्टिव्स में अगर हम लास्ट में ly लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, स्वीट, स्वीटली, स्लो, स्लोली, लेकिन फास्ट, फास्टली नहीं होता, फास्टली इज रॉन्ग, फास्ट विल ऑलवेज रिमेन फास्ट। ओके, टॉल विल नॉट बिकम टॉलली। ओके, सो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ly लगाने से एडवर्ब नहीं बनता है, लेकिन 80% एडजेक्टिव्स में ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। शी हैज ओनली 1000 rupees विद हर। हम ये नहीं कह सकते शी ओनली हैज 1000 rupees विद हर, नहीं, एडवर्ब के पास में जो वर्ड मॉडिफाई किया जा रहा है। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, शी सैंग melodiously, ये हम कर चुके हैं। When an adverb modifies an adjective, she sang sweetly. Adverbs are frequently. पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया often से, तो ऐसे होते हैं always, often, rarely, never, ever, usually, etc. Adverb is placed between the subject and the verb. He often visits the UK. ये adverb of frequency में, the adverb follows the verb. He is always punctual. लेकिन hard और hardly में बहुत फर्क है, मीनिंग में ही फर्क हो जाता है। He works very hard and he hardly works. ये दोनों में बिल्कुल मीनिंग opposite हो जाता है, so just take care when you use it. और अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो स्लाइड को पॉज करिए और इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि इनको कैसे यूज करना है एडवर्ब्स को। अब कॉमन एडवर्ब एरर्स, लोग अक्सर जो मिस्टेक करते हैं या जो मैंने सुना है लोगों को मिस्टेक करते हुए, वो मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर रही हूँ। जैसे द कैमरा वर्क्स परफेक्ट, नहीं, रॉन्ग, कैमरा वर्क्स परफेक्टली। डिड यू वर्क हार्डली टुडे, अभी बताया मैंने हार्ड एंड हार्डली। डिड यू वर्क हार्डली टुडे? डिड यू वर्क हार्ड टुडे? शी बिहेव्ड रादर स्टूपिडली। अब ये एडजेक्टिव में हमने ly लगा दिया लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, तो अप्रोप्रिएट क्या होगा?
She behaved in a stupid way. His answer sounded correctly. His answer sounded correct. He looks happily. No. He looks happily at something. वो ठीक है. But अगर हमें sentence यही खत्म करना है तो he looks happy. तो ये अभी मैं आपके लिए लाई हूँ दो parts of speech, verbs and adverbs. इनको ध्यान से देखिए. अपनी next series में मैं बाकी के बचे हुए parts of speech को भी complete करूँगी. और तब तक के लिए bye bye. Thank you.